नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल एजे पोल्ट्री पर। दोस्तों आज मेरे चूजों को लगभग 15 दिन के आसपास हो चुका है, तो मैं आज आप लोगों को अपने चूजों की स्थिति दिखाता हूँ कि इन लोग 15 दिन में कितना किलो हो गए हैं। और आज आप लोगों को ये भी समझ में आ जाएगा कि लगभग आधा किलो या आधा किलो के आसपास ये जो चूजे हैं पोल्ट्री फार्मिंग वाले जो चिक्स हैं वो आधा किलो के आसपास कितने दिन के आसपास में आ जाते हैं। वैसे आपको बता दूं कि मेरे जो चिक्स हैं वो 400 ग्राम 500 ग्राम 600 ग्राम तक भी आ गए हैं। आपको अभी मैं इसको तौल के भी दिखाऊंगा, देख सकते हैं बड़े तो हो रहे हैं। लगभग दोस्तों 21 से 25 दिन के बीच में 1 किलो तक अगर वेट आ जाता है तो वो एक स्टैंडर्ड वेट माना जाता है इन लोग का। तो देखते हैं, अभी तो मैं तौल के देखा नहीं हूँ, बस अनुमानित बता रहा हूँ आपको, किलो आधा किलो के आसपास पहुँच चुके होंगे और वेट करके देखते हैं कि कितना इन लोग का वेट हुआ है। उससे पहले थोड़ा सा पास से आप लोग चूजों को देख सकते हैं। चूजे इस बार शुरू से लेके अभी तक मेरे काफ़ी फ्रेश हैं, इन लोगों को कोई बीमारी या सर्दी या किसी और तरीके का कोई भी परेशानी नहीं आया है, काफ़ी ढंग से रह रहे हैं। और इन लोग का जो स्लॉट है उसको मैं धीरे धीरे बड़ा करते जा रहा हूँ। आप लोग भी अगर स्लॉट को बड़ा करते हैं तो एक ही बार बहुत बड़ा मत कर दीजिएगा। क्या होता है कि बहुत बड़ा कर देने से ना होता यह है कि इन लोग को जो फीडर है और जो ड्रिंकर है वो काफ़ी दूर दूर हो जाता है, तो इन लोग का जो वेट है वो प्रॉपर एवरेज नहीं आ पाता है सबका बराबर। आगे पीछे कोई बड़ा रहेगा कोई छोटा रहेगा, ऐसा हो जाता है। इसलिए सिचुएशन के हिसाब से इन लोग के स्लॉट को आप लोग भी बढ़ाइएगा अगर पालन करते हैं। तो चलिए देखते हैं इन लोग का वेट। तो किसी भी चूजे को, दो चार चूजों को देखते हैं रैंडम उठा करके कि कितना कितना वेट हुआ है। कोई भी एक दो चूजा उठाएंगे यहाँ से और इन चूजों को उठाते हैं और उठाने के बाद देखते हैं कि चूजों का प्रॉपर वेट या सॉरी वेट नहीं वेट कितना आया है। इधर से दो को चेक करते हैं पहले, इन लोगों का वेट पहले देख लेते हैं कितना आया हुआ है। तो ये है मेरा वेट मशीन, इसका वेट आया है देख सकते हैं आप लोग लगभग 500 ग्राम और ये वाला 450 ग्राम, तो लगभग 1 किलो दोनों मिला करके 500 ग्राम आसपास आप लोग इसके एवरेज मान सकते हैं। ये तो इस साइड का था, इसी स्लॉट में से दो चार को और उठा के भी देख लेते हैं कि कितना वेट आ रहा है। इन दोनों का वेट अगर देखें तो उसके हिसाब से फिर आप लोग इसका एवरेज निकाल सकते हैं। 4-5 चूजों को अगर आप लोग बार बार तोलेंगे तो इसके बाद एवरेज निकाल सकते हैं कि लगभग कितना वेट आया होगा सबका। तो इसको पहले ज़ीरो कर लेते हैं। ये है देख सकते हैं, ये 500 ग्राम पार हो चुका है 520 और ये वाला 620। तो कुछ चूजे 400-450 ग्राम के हैं और कुछ चूजे 600 तक 650 तक पहुंच चुके हैं। तो आप लोग एवरेज मान सकते हैं कि 15 दिन में मेरा ये जो है चूजा वो आधा किलो के वेट को पार कर चुका है, जो देखा जाए तो एक अच्छा वेट है 15 दिन के हिसाब से। और अच्छा खासा वेट दोस्तों इन लोग का आ रहा है। आप लोगों को मैं इन लोग का 1 किलो होने के बाद वीडियो भी दिखाऊंगा कि 1 किलो लगभग इन लोग कितने दिन में हो जाते हैं या मेरे चूजे 1 किलो कितने दिन में होते हैं, तो उसका वीडियो भी आप लोगों को दिखाऊंगा मैं। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा और मेरे वीडियो को शेयर करिएगा। आप लोगों को मैं इसका जानकारी एंटरटेनमेंट सारे मेरे चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिलता है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये है दोस्तों साइड का जगह, जब चूजे थोड़ा सा बड़े हो जाएंगे तो इधर कुछ चूजों को मैं शिफ्ट करूँगा ताकि ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो और प्रॉब्लम ना हो लास्ट टाइम के जैसे। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, जय हिंद जय भारत जय।